असलम टुडे वी आर इन द लेक्चर नंबर फिफ्टीन ऑफ द डाटा बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स दर्स कोड इज़ सी एस पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपने इस कोर्स का एक बहुत अहम टॉपिक जो क्या है रिलेशन डाटा मॉडल आई होप आपको समझ आ रहा होगा लेकिन जस्ट आपकी सहूलत के लिए और आपको दोबारा से थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए और स्ट्रेस करने के लिए मैं ब्रीफली इसको दोहराऊंगा डियर स्टूडेंट्स आप जो अभी तक हमारी एक्टिविटी है उसको अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हम डाटा बेस्ड डिज़ाइन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि पहले प्रिलिमिनरी स्टडी जिसमें हम एक्सट को अंडरस्टैंड करते हैं उसके बाद हमारे पास है एनालिसिस फेज जिसमें कि हम अपना डाटा बेस डिज़ाइन देते हैं अब हम आ रहे हैं लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन के ऊपर और देखिए कि जो हमारा कंसेपचुअल डेटाबेस डिज़ाइन है वो होता है जनरली ई आर डाटा मॉडल के अंदर क्यों बिकॉज ई आर डाटा मॉडल इज ए सीमेंटिक डाटा मॉडल दैट इज सीमेंटिकली रिच इट प्रोवाइड अस डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपना डाटा बेस अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं बट देर इज नो इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन से बात यह है कि यू डोंट फाइंड एनी डी बी एम एस बेस्ड ऑन द ई आर डाटा मॉडल उस स्पेस पर पे आपको अपना जो ई आर डाटा डाटा मॉडल का डिज़ाइन है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है इन टू ए डाटा मॉडल हुज डी बी एम एस यू विल अल्टीमेटली यूज क्योंकि आज के ट्रेंड के मुताबिक जनरली हम रिलेशनल डी बी एम एस इस्तेमाल करते हैं चुनाचे जो हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होगा वो होगा रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर और दोबारा फिर वही बात है कि इस पर हमें ये स्टेज इंट्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या है फ़ायदा उसका ये है कि वंस यू हैव गॉट आवर लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन एंड द रिलेशनल डाटा मॉडल उसके बाद फिर यह कि वेन यू वी वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दिस डिज़ाइन ट ऑप्शन ऑफ डिफरेंट डी बी एम एसिस तो क्या होगा कि हम जिस भी मर्जी डी को सिलेक्ट कर लें जो हमारा लॉजिकल डरबेंस डिजाइन होगा वो हर एक के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकेगा तो ये एक रीजन है एक लॉजिक है इस सीक्वेंस को फॉलो करने की जिसको हम अब तो तक फॉलो कर रहे हैं फिर यह है कि जो आपका लॉजिकल डरबेंस डिजाइन है वो होगा रिलेशन डेडा मॉडल के अंदर लास्ट टाइम हमने रिलेशन डाटा मॉडल को पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने ये देखा था कि जो एक रिलेशन है वो दो एट्रीब्यूट्स के डोमेन के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सा भी सबसेट है और ख़ास तौर पे ये कहा गया था कि इसको रिलेट किया गया है मैथमेटिकल रिलेशन के साथ हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में पढ़ा ताकि आपको एक ताल्लुक पता चल जाए कि मैथेमेटिकल में और डेटा बेस में क्या ताल्लुक है फिर इसके अलावा हमने जो इसकी नोटेशन है खास तौर पे जो इसकी नोटेशन है उसको हमने रिपीट किया ताकि आप अगर अब आइंदा से जब आप देखे लिखा हुआ देखेंगे एक रिलेशन स्कीम को कि कैसे एक रिलेशन का डिफाइन करते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं और फिर जब हमने उसका डाटा शो करना होता है उसके इंस्टेंसेस शो करने होते हैं तो कैसे हम उसको रिलेशन की फॉर्म में यानी मैथमेटिकल नोटेशन में जिस पर हम टप्पल देखते हैं सेट की शक्ल में उस तरह लिख सकते हैं या एक और बात ये कही गई थी कि अगर हम इसी रिलेशन को एक टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन टू डायमेंशनल एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दें जिसमें कि कॉलम्स होंगे और रोज होंगी तो उससे हम कहेंगे टेबल और ये बात जहन में रखिएगा कि टेबल कहें या रिलेशन कहें एक ही बात है क्योंकि जो टेबल है वो रिलेशन की एक ख़ास फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है अदरवाइज दोनों सेम है दूसरी बात है कि रोज़ रिकॉर्ड्स और टपल्स एक ही बात है कॉलम और एट्रीब्यूट एक ही बात है तो ये वो सब कुछ है कि जो अभी तक हम पिछले लेक्चर में रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में कवर कर चुके हैं आइए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं जहाँ तक दोनों की डेफिनेशन का ताल्लुक है यानी मैथमेटिकल रिलेशंस और डाटा बेस रिलेशन हम दोनों को डिफाइन कर चुके हैं उनको रिलेट भी कर चुके हैं यहाँ पे जो इस साइड पे आप देखने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमने टेबल की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो छह बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिनका मेरे बारे जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आप सबको हर वक्त आनी चाहिए तो हम नहीं देखेंगे कि हमने डाटा बेस्ट रिलेशन्स को और मैथमेटिकल रिलेशन को रिलेट तो कर लिया लेकिन आप ये देखते हैं कि उन प्रॉपर्टीज के रेफरेंस में क्या फर्क है दोनों में ये कितनी सिमिलरिटी है प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा बेस्ट रिलेशन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द मैथमेटिकल रिलेशन एक्सेप्ट यानी कुछ प्रॉपर्टीज का फर्क है अदरवाइज जो हमें छह प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डाटा बेस्ट टेबल की या डाटाबेस्ट रिलेशन्स की वही प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैथमेटिकल है रिलेशन्स की हैं और प्रॉपर्टी कौन सी जिनका डिफरेंस है वो है द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स एन मैथेमेटिकल रिलेशन डज मैटर आपको याद होगा कि हमने छः प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी उनमें से दो खास तौर पर यह थी कि द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स इज एम मटीरियल एंड द ऑर्डर ऑफ द रोज इज एम मटेरियल यानी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास एक डाटा बेस टेबल है या रिलेशन है डाटा बेस का उसमें अगर हम उसके कॉलम्स का ऑर्डर चेंज कर दें और रोज का ऑर्डर चेंज कर दें तो वो उससे उस टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये चीज़ अलबत्तः मैथमेटिकल रिलेशन में नहीं है बाकी जो पांच प्रॉपर्टीज हैं इट कंटेज अटॉमिक वैल्यूज फाइन उसके अलावा उसका एक कॉल uh, एट्रीब्यूट का एक हर कॉलम का एक नाम होता है इसमें भी ये चीज़ तरह से अप्लाई होती है कि जो आपके सेट्स हैं उसको आप ये कंसिडर कर लें कि वो उसके नाम हैं इसके अलावा ये कहा गया कि uh, आपके पास कोई रोज़ डुप्लीकेट नहीं होती बिल्कुल इसमें यही बात है कि जब आप मैथमेटिकल रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें कोई उसका जो मेम्बर है वो दो दफा उसमें नहीं आ सकता जब हम इवन ये कहते हैं कि टेबल्स के अंदर ड्राव टेबल्स के अंदर रोज का ऑर्डर इन मटीरियल है द सेम थिंग अप्लाइज टू द मैथमेटिकल रिलेशन एज वेल इसका मतलब क्या है कि आपने पास एक अगर मैथमेटिकल रिलेशन है उसमें जो टपल्स लिखे हुए हैं डिफरेंट जो आपके पास ऑर्डर पेयर की शकल में या ट्रिपल की शक्ल में जो टपल्स हैं वो लिखे हुए हैं अगर आप एक टपल को उठा कर उसकी पोजीशन चेंज कर दें एक टपल पहले था उसको आपने तीसरे पोजीशन पर रख दिया जो तो तीसरा था उसको पहले पे आए आपने पूरे टपल्स की पोजीशन चेंज कर दी है इससे मैथमेटिकल रिलेशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वो वही का वही रहेगा वही रिलेशन रहेगा वही सेट रहेगा लेकिन ये जो चीज यहां मैंशन की हुई है कि ऑर्डर ऑफ द कॉलम डज मैटर इन द मैथमेटिकल रिलेशन यानी अगर आपके पास एक आपके पास रिलेशन है जो कि दो सेट्स ए और बी के कार्टिशन प्रोडक्ट एक्स ए क्रॉस एक, बी का वो सबसेट है तो उसमें जो उसके ऑर्डर पेयर्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो यही होना चाहिए कि पहले सेट का यानी ए क्रॉस बी में से अगर ए पहले लिखा हुआ है और बी बाद में लिखा हुआ है तो ए का एलिमेंट पहले होना चाहिए और बी का बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले एक का करें और फिर दूसरा करें या अगर आप तमाम का ऑर्डर चेंज कर देते हैं यानी तमाम सेट्स के अंदर तमाम ऑर्डर के अंदर बी का मेंबर पहले ले आते हैं और A का बाद में ले आते हैं नॉ दिस विल बी कॉल्ड बी क्रॉस ए का सबसेट इसका मतलब है कि अगर आप मैथमेटिकल रिलेशन की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए यानी जो कॉलम्स का ऑर्डर है यानी कि जो आपके जो आपके ऑर्डर पेयर है उसमें जो जो पोजीशन है मेंबर्स की अगर आप उसका ऑर्डर कह लें तो इसका ऑर्डर आप चेंज कर दें दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन अदर रिलेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन वेर एज हमने ये देखा था कि डाटा के अंदर इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप कॉलम्स का ऑर्डर चेंज भी कर दें उससे जो आपका टेबल है वो वही रहेगा डियर स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है कि जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं डाटा बेस रिलेशन की उसको अगर कंपेयर करें मैथमेटिकल रिलेशन की uh, की प्रॉपर्टीज से तो क्या डिफरेंस है तो हमने ये जाना कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी का फ़र्क है कि जिसमें कॉलम्स का ऑर्डर जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन में मैटर करता है जबकि डाटा बेसिक केस में टेबल में कॉलम्स काडर भी मैटर नहीं करता और रोज का भी नहीं करता जबकि रोज का ऑर्डर है वो मैथेमेटिकल रिलेशन में भी मैटर नहीं करता आइए आगे, आगे चलते हैं सिंपल सी डेफिनेशन हैं डिग्री एंड कार्डिनेलिटी जैसे हमने बात की थी डिग्री एंड कार्डनैलिटी ऑफ द रिलेशनशिप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिग्री एंड कार्डनेलिटी ऑफ द रिलेशन माइंडेड दोनों में फ़र्क है इसलिए इससे हमने दोनों को मिक्स नहीं करना दोनों को आपस में कन्फ्यूज़ नहीं करना जब हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ द रिलेशन तो उससे मुराद ये है कि उस पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं उस पर जितने हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं वो कहलाती है डिग्री ऑफ द रिलेशन या डिग्री ऑफ द टेबल और जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रोज की जितने इसमें टपल्स हैं रोज हैं रिकॉर्ड्स हैं वो कहलाती है उसकी कार्डिनलिटी तो ये छोटी सी डेफिनेशन uh, है लेकिन इसको इस पर बस खास बात यही है कि डोंट मिक्स इट विद द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप अदरवाइज ये सिंपल डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स वेन वी आर डिस्कसिंग द ई आर डाटा मॉडल वी डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ कीज देर परपज एंड इंपॉर्टेंस इन डिटेल यू मस्ट रिमेंबर दैट वी हैव डिस्क फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज दे आर सुपर की कैंडिडेट की प्राइमरी की आल्टरनेट की एंड सेकेंडरी की ऑल दोज कीज देर कॉन्सेप्ट देर डेफिनेशन एंड देर करेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑफ दैम दे आर एप्लीकेबल टू द रिलेशन डाटा मॉडल एज सच यानी जैसे वहाँ पर डेफिनेशन थी वही की वही अब यहाँ वही रोल वही मकसद यहाँ पर अप्लाई हो रहा है एक की की बस टाइप रहेगी जो कि हमने वहाँ पर नहीं पढ़ी थी और उसका हम यहां पे स्पेसिफिकली पढ़ेंगे दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल पहली बात है वो की कौन सी है आइए देखते हैं फॉरेन की इसका खास तौर पे हम जो रिलेशन डेटा मॉडल है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो इस्तेमाल है कैसे हमने इसको मुख्य जगहों पर प्लेस करना है दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इसलिए आप इसको पहले इसकी डेफिनेशन देखिए एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल बी दैट इज प्राइमरी की इन एन अदर टेबल ए तो ऐसा एट्रीब्यूट एक टेबल बी के अंदर जो कि किसी एक और टेबल ए में किसी भी टेबल और में प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो बी के अंदर इसे हम कहेंगे फॉरेन की बी के अंदर उस एट्रीब्यूट को जो किसी और में मौजूद है एज प्राइमरी की उसे हम कहेंगे फॉरेन की और इसमें एक बात ये देख लीजिएगा कि फॉरेन की जो है वो आपके पास मल्टीपल भी हो सकती हैं यानी एक टेबल के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल फॉरन कीज और इसके अलावा जो आपका रिलेशन जिसमें कि ये फॉरेन की प्राइमरी की है वो इस रिलेशन के अंदर फॉरेन की का होम रिलेशन कहलाता है यानी अगर हमारे पास रिलेशन बी के अंदर एक एट्रीब्यूट लेट्स कहते हैं एक्स वो एक और टेबल ए के अंदर प्राइमरी की है तो जब हम बी को देखेंगे हम कहेंगे कि एक्स इज़ ए फौरन की और इसका जो होम रिलेशन है वो ए है जिसमें ये बेसिकली प्राइमरी की है फ़ौरन की के बारे में हम आगे मजीदी डिस्कस करेंगे आइए आगे, आगे चलते हैं अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि फ़ौर की का इस्तेमाल क्या है और इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं फर्ज करें हमारे पास ये एक टेबल है एम्प्लॉय का इसमें आप देख रहे हैं के एट्रीब्यूट uh, है एम्प्लॉय आई डी एम्प्लॉ नेम क्वालिफिकेशन और डिपार्टमेंट आई डी अब अगर आप एक और टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट इसमें हमारे पास एटरीब्यूट हैं डिपार्टमेंट आई डी डिपार्टमेंट नेम और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के उसमें डिपार्टमेंट में कुल कितने एम्प्लॉयज़ हैं अब जहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जो इसकी प्राइमरी की है एम्प्लॉय की जो कि एम्प्लॉय आई डी थी उसको अंडरलाइन कर दिया यानी ये वो नोटेशन है जो कि हम आइंदा से इस्तेमाल करेंगे यू अंडरलाइन विद ए सॉलिड लाइन योर प्राइमरी की वदर इट इज़ सिंगल प्राइमरी की और ए कंपोजिट प्राइमरी की अगर उसमें एक एट्रीब्यूट है तो जहरा वही एट्रीब्यूट जो है वो अंडरलाइन होगा अगर उसमें दो एट्रीब्यूट हैं तीन एट्रीब्यूट हैं कम्पोजिट प्राइमरी की है तो वो सबके सब अंडरलाइन सब, uh, होंगे एंड वेन एवर यू सी टू और थ्री एट्रीब्यूट अंडरलाइंड बाई ए सॉलिड लाइन इट मीन्स के दिस टेबल हैज़ गॉट ए कम्पोजिट प्राइमरी की या इसकी प्राइमरी की में ये एट्रीब्यूट शामिल हैं और आप ऐसे कई रिलेशन कई टेबल देखेंगे कि जिसमें दो तीन चार एट्रीब्यूट्स की भी आपके पास की हो सकती है और प्रैक्टिकटिकली स्पीकिंग इससे ज्यादा एट्रीब्यूट्स की भी हो सकती है तो इसमें जो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है इसके अंदर हमने एम्प्लॉय आई को अंडरलाइन कर दिया सॉलिड लाइन के साथ इट मीन्स दिस इज ए प्राइमरी की ऑफ दिस रिलेशन अब इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है इसको हमने अंडरलाइन किया बट विद ए डैश्ड लाइन ब्रोकन लाइन है ये और इसका मतलब यह है ये वो सिंबल है ये वो नोटेशन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट ए फॉरन की अब क्या होगा कि अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट आईडी है यहाँ पर वो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट रिलेशन के अंदर जो है वो प्राइमरी की है अब जो डिपार्टमेंट आईडी डी एम्प्लॉय के अंदर है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए फॉरन की डियर स्टूडेंट्स फ़ॉरन की के बारे में एक, बारे में एक बात जन रखिएगा कि जो फ़ौरन की है इसमें अभी हमने जो अब एग्जाम्पल देखी है उसमें हमने जो फॉरन की का नाम है और जो प्राइमरी की है दोनों का नाम सेम रखा हुआ है दिस इज जस्ट ए चांस दिस इज जस्ट बाई चांस इसलिए दिस इज नॉट रिक्वायर्ड द फॉरन की एंड द प्राइमरी की दे कैन हैव डिफरेंट नेम्स इज नो प्रॉब्लम इन इट लेकिन जो शर्त है इसके साथ वो ये है कि बोथ मस्ट हैव द सेम डोमेन और जरा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम अब आग जब आके देखेंगे कि जो आपकी आ, जो फॉरन की है वो लिंक करती है दो टेबल्स को दो रिलेशन को तो जब तक वो आपस में सेम डोमेन की वैल्यूज नहीं होंगी वो लिंक कैसे हो सकते हैं चुनाचे तो ये बात आप अभी, अभी अपने जहन में रखिए कि द कंस्ट्रेंट ऑन द फॉरन की इज दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द सेम नेम बट दे आर रिक्वायर्ड टू हैव द सेम डोमेन इसके अलावा मैंने आपसे एक और बात कही थी कि यू कैन हैव मल्टीपल फॉरन कीज इन ए टेबल यानी आप एक टेबल जो है फ़र्ज़ करें जैसे हमारे पास एम्प्लॉय था वो डिपार्टमेंट से अगर लिंक था तो डिपार्टमेंट के रेफरेंस से उसके पास एक फ़ौरन की आ गई फ़र्ज़ करें हमारे पास इसी तरह हम कहते हैं कि जो इसका जो इस एम्प्लॉय का मैनेजर है या तो या जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है अगर प्रोजेक्ट के रिलेशन से प्रोजेक्ट के टेबल से इसको लिंक करना है तो हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट टेबल है उसकी फ़ौन की भी इसमें आ जाए एंड लाइक दैट इसमें और भी ज़्यादा फ़ौन कीज आ सकती हैं दो बातें हो गई एक और बात यह है कि जैसे नॉर्मली कीज जो है आपकी जितनी भी आपने पहले कीज पढ़ी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर रिकॉर्ड या एक एक सदर रिकॉर्ड भी जैसे सेकेंडरी की के केस में यू कैन हैव मल्टीपल रिकॉर्ड ऑन द वैली ऑफ ऑन द वैली ऑफ द एट्रीब्यूट लेकिन जो फॉरन की है इसमें यूनिकनेस की जो कंस्टेंट है वो नहीं है सेकेंडरी की की तरह इसका मतलब यह है कि ऑल दो अपने होम रिलेशन में जहां पे यह प्राइमरी की है वहां पे तो इसकी वैल्यू यूनिक होगी बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड एज प्राइमरी की देयर लेकिन फॉरन की इट जिस रिलेशन के अंदर ये फॉरन की के तौर पर इस्तेमाल हो रही है वहां पर इसकी वैल्यू जो है इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूनिक एंड इट इज नॉट यूनिक देयर दीज आर समथिंग दैट वी हैव सो फार अबाउट द फॉरन कीज इसके बारे में और बातें भी बाद में पढ़ेंगे आइए आगे चलते हैं जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इंटेग्रिटी कंस्टेंट्स जो है वो भी एक कंपोनेंट है रिलेशनल डाटा मॉडल का रिलेशनल डाटा मॉडल दो तरह के इंटेग्रिटी कंस्टेंट्स प्रोवाइड करता है उनके नाम हैं एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्टेंट्स डियर स्टूडेंट्स जो इंटेग्रिटी कंस्टेंट्स हैं दे आर ऑल्सो अमंग द बेसिक्स ऑफ दिस कोर्स जिस बंदे ने रिलेशन डाटा मॉडल के बारे में पढ़ा हुआ है उसको लाजमी तौर पे इंटेग्रिटी कंस्टेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इनको याद करें समझें और आपको ये हमेशा पता होना चाहिए अब एंटी जो एंटीटी इंटेग्रिटी कंस्टेंट है ये एक लिहाज से हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैन वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ की ये जो आपका एंटीटी कंस्टेंट है यह इस चीज़ को स्पेसिफिकली डिफाइन करता है फ्रॉम द परपेक्टिव ऑफ फ्रॉम द कॉन्टेस्ट ऑफ

उनमें से कोई भी कंपोनेंट जो है किसी वक्त भी नल नहीं ले सकता तो दिस इज कॉल्ड एंटिटी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट दूसरा है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपने खास तौर पे इसको याद करना है वो ये है कि वैल्यू ऑफ फॉरन की इज इधर नल और मैचिज विद ए वैल्यू इन इट्स होम रिलेशन एक फर्क तो आपने फॉरन महसूस कर लिया होगा कि जो हमारे पास कीज आइडेंटिफिकेशन के लिए या यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं सुपर की कैंडिडेट की प्राइमरी की और अल्टरनेट की इनकी तरह से हमारे पास इस पर यह रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यह नल नहीं हो सकती बल्कि बाकी चारों की नस्बत खासतौर पे इसको आप रिलेट करें जो आखिरी दो हैं कैंडिडेट की और हमारी जो प्राइमरी की है उनकी तरह से इस पर यह कॉन्सिडेट नहीं है कि ये नल वैल्यू नहीं ले सकती फॉरन की बाई डेफिनेशन नॉट बाई डेफिनेशन अदर बाय दिस रूल बाय रेफरेंशियल इंटेग्रिटी रूल फॉरन की कैन हैव नल वैल्यू एक बात दूसरी बात यह है लेकिन अगर आपने उसमें कोई वैल्यू डालनी है तो फिर लाजमी तौर पर यह वैल्यू वो होनी चाहिए जो कि इसका होम रिलेशन है उसमें जो प्राइमरी की की वैल्यू है उसकी किसी वैल्यू से मैच करे दिस इज कंपल्सरी दिस इज नेसेसरी और देखें एक बात आप ये समझिए कि जो आपके जो इंटेग्रेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि दे हैव बिन डिक्लेयर दे हैव मेड ए पार्ट ऑफ द डाटा मॉडल इट्स सेल्फ सी राइट नाउ यू आर नॉट स्टडिंग एनी पर्टिकुलर डी बी एम एस यू आर स्टडिंग द रिलेशनल डाटा मॉडल एंड वेन यू आर स्टडिंग द इंटेगटरी कंस्ट्रेंट एज पार्ट ऑफ द रिलेशनल डाटा मॉडल एज ए कंपोनेट ऑफ द रिलेशनल डाटा मॉडल इसका मतलब ये है कि ये उसका हिस्सा है उसका कंपोनेंट है तो दे आर देर ऑलवेज इन एनी रिलेशनल डी बी एम एस क्यों क्योंकि जो आपका डी बी एम एस है वो बेस करता है डाटा मॉडल के ऊपर तो जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज और कंस्टेंट डाटा मॉडल प्रोवाइड कर रहा है डी बी एम एस विल हैव टू इंप्लीमेंट दैम चूंकि आपका जो इंटेग्रटरी कंस्टेंट है दे आर द पार्ट ऑफ योर डाटा मॉडल इसका मतलब है कि जो भी आपका रिलेशनल डी बी एम एस होगा वो लाजमी तौर पर इंटेग्रेटी कंस्टेंट को सपोर्ट कर रहा होगा अब यह जो एक कंस्टेंट है रेफरेंशियल इंटेग्रेट कंस्टेंट है दिस इज इंपोज दिस इज कंट्रोल्ड बाय द डी बी एम एस इट्सल है इसका मतलब यह है कि वंस यू डिक्लेयर एंड एट्रीब्यूट एज ए फॉरन की एंड यू रिलेटेड विद द प्राइमरी की इन इट्स होम रिलेशन नाव डी बी एम एस विल मेक श्योर कि यू डू नॉट एंटर अ वैल्यू इन टू द फॉरन की दैट डज नॉट मैच विद द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की इन रिलेशन क्यों हम आगे पढ़ेंगे आइए आगे चलते हैं अब यहां पे आपके सामने जो स्लाइड है इस वक्त इसमें आपको दो टेबल्स नजर आ रहे हैं एक टेबल हमारे पास है एम्प्लॉय का जिसमें कि हमारे पास यहाँ चार एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आई डी एम्प्लॉय नेम क्वालिफिकेशन और डिपार्टमेंट आई डी जैसा कि हम पिछली स्लाइड पर देख चुके हैं इसके अलावा अगर आप देखें इसमें डिपार्टमेंट आई डी डिपार्टमेंट नेम और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दैट डिपार्टमेंट ये आपके पास तीन एट्रीब्यूट हैं तीन कॉलम्स हैं अब इसमें अगर आप डाटा देखें तो चार रोज़ हैं हमारे पास एम्प्लॉ के टेबल में और तीन रोज़ हैं हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल में अब इसमें अगर आप देखें कि जो हमारे पास अगर आप पहले एम्प्लॉय टेबल को देखें इसमें यहाँ पे जो आपके पास एम्प्लॉय आईडी है उसको अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी की है अच्छा अब ड्यू टू द एंटिटी इंटैग्रिटी कंस्ट्रेंट ये बात पक्की है कि इस कॉलम के अंदर हम किसी में भी नल वैल्यू नहीं एंटर कर सकते और अदरवाइज अगर आप बाई डेफिनेशन देखें तो बाकी जितने हमारे पास सर्टिव्यूट हैं लाइक एम्प्लॉय नेम है या क्वालिफिकेशन है या डिपार्टमेंट आई डी है इनमें हम नल प्लेस कर सकते हैं हाँ अनलेस के कि आप किसी को स्पेसिफिकली डिक्लेयर ना कर दें कि नॉट नल नॉट नल्स हम रात दिए कि आप इसमें नल एंटर नहीं कर सकते अदरवाइज प्राइमरी की के अलावा उस पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रेंट है जब आपने किसी एट्रीब्यूट को डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज़ द प्राइमरी की ये पक्की बात है कि अब उसमें आप नल नहीं एंटर कर सकते तो अब इसमें एम्प्लॉय आई में तो आपको वाली नज़र आ गई है एम्प्लॉय नेम में आपको मुख्त नाम नजर आ रहे हैं और क्वालिफिकेशन में अब डिपार्टमेंट आई अगर आप एट्रीब्यूट को देखें डिपार्टमेंट आई इस वक्त आपको यहाँ पर फिलहाल किसी में भी कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही अब यह है कि अगर हम यहां पे एक वैल्यू प्लेस करना चाहते हैं तो इट हैज टू बी वन ऑफ द थ्री वैल्यूज ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल यानी यहाँ या तो प्लेस करते हैं कर सकते हैं डी जीरो जीरो वन या डी जीरो जीरो टू या डी जीरो जीरो थ्री डी बी एम एस विल मेक इट श्योर यानी अगर आप एक वैल्यू एंटर करना चाहते हैं एज यू ट्राई टू एंटर लेट से डी जीरो जीरो सिक्स क्या होगा कि वो इसको मैच करने की कोशिश करेगा डिपार्टमेंट के टेबल से और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर से अगर उसको ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि जिसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है जो कि बेसिकली प्राइमरी की है डिपार्टमेंट की वहां पे एक रिकॉर्ड में किसी में भी डी जीरो सिक्स नहीं है अगर तो इट विल नॉट लेट यू एंटर दैट वैल्यू ये आपको अगर बढ़ने नहीं देगा आप कुछ कर लें वो वैल्यू उसमें एंटर नहीं हो सकती क्यों उसकी रीजन ये है कि जो फॉरन की है बेसिकली वो आप दो टेबल्स को पस में लिंक कर रही है लिंक करने से क्या मुराद है लिंक करने से मुराद ये है कि आप जिस वक्त चाहते हैं कि मैं एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करूं तो जो डाटा आपको एम्प्लॉय के बारे में चाहिए उनमें से एक डाटा ये भी है कि वह किस डिपार्टमेंट में काम करता है आप डिपार्टमेंट काम करता है या जो डिपार्टमेंट की बाकी डिटेल्स हैं मिसाल के तौर पर उस डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉयज हैं उसका एक तरीका तो ये हो सकता था कि आप हर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के अंदर उसका डिपार्टमेंट नेम स्टोर कर दें और साथ ही उसके उसके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वो भी स्टोर कर दें यानी बजाय डिपार्टमेंट आईडी के आपके एम्प्लॉय टेबल में लिखा होता डिपार्टमेंट नेम एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये हम ऐसा नहीं करते इसकी बहुत सी रीज़न हैं जो कि आपको आइंदा के लेक्चर्स में क्लियर होंगी लेकिन अभी तो आप एक चीज़ तो रियलाइज कर सकते हैं वो ये कि फर्ज करें अगर हमने यहां पे हर रिकॉर्ड के आगे लिखा हुआ होता डिपार्टमेंट नेम और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो अगर हमारे पास कुल दस हजार रिकॉर्ड हैं और उनमें से फर्ज करें कि एक डिपार्टमेंट हमारा सेल्स है उसके अंदर फर्ज करें कि तीन हजार एम्प्लॉयज काम करते हैं तो आपको तीन हजार रिकॉर्ड्स के अंदर यह चीज लिखनी पड़ती कि सेल्स और फर्ज करें अगर उसमें एम्प्लॉयज हैं सत्रह आपको लिखना पड़ता सेल्स सत्रह सेल्स सत्रह कितनी दफा तीन हजार दफा जबकि वो सोल्यूशन जो कि आपने इस वक्त अडॉप्ट किया हुआ है जो हमने इस वक्त अडॉप्ट किया वो क्या है कि हम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के अंदर सिंपली प्लेस कर देते हैं डिपार्टमेंट आईडी अब ये बात कि डिपार्टमेंट आईडी डी फर्स्ट कर एक एम्प्लॉय अगर सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है और उसमें सत्रह एम्प्लॉयज हैं तो यहां पर वहां पर आपने एम्प्लॉय के अंदर सिर्फ उसके लिखी है डिपार्टमेंट की आई अब अगर ये बात जाननी है कि वो उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है और उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं उसके लिए सिंपली डिपार्टमेंट आई डी एट्रीब्यूट से उसका एट्रीब्यूट लें उसकी वैल्यू लें डिपार्टमेंट आई डी की और उस आई डी को इस्तेमाल करते हुए यू कम टूवर्ड्स द डिपार्टमेंट टेबल यहां पर लिखा होगा उस कोड के अगेंस्ट के सेल्स डिपार्टमेंट है और उसमें से सेवनटीन एम्प्लॉयज हैं अब ये जो इंफॉर्मेशन है कि सेल्स में सेवनटीन एम्प्लॉयज uh, हैं ये आपको बजाय तीन हजार दफा लिखने के यू हैव रिटन इट जस्ट वंस और इस रेफरेंस के थ्रू जो डिपार्टमेंट आईडी में रेफरेंस आपके पास एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो रेफरेंस है डिपार्टमेंट आईडी का उस रेफरेंस के थ्रू दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल दो थ्री थाउजेंड रिकॉर्ड एंड सेम अप्लाइज टू द डाटा ऑफ द अदर डिपार्टमेंट एज वेल कि रादर देन कॉपिंग डाटा डिपार्टमेंट नेम एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच रिकॉर्ड तो आप उसका रेफरेंस स्टोर करें इसका मतलब यह कि दस हजार रिकॉर्ड अगर आपके पास हैं फर्ज करें तो आप सोचें कि आपने कितनी बचत की है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज इसके और बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि हम अंडा पढ़ेंगे यहां पे अब बात यह है कि हम बात जब करते हैं कि वो जो मैचिंग जरूरी है फॉरन की और प्राइमरी केय की आई आई होप अब तक आपको ये बात समझ आ गई होगी ये क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है कि फर्ज करें कि आप अग, अगर ये काम करते हैं कि आप एक रिकॉर्ड के अंदर डाल देते हैं डिपार्टमेंट नंबर डी जीरो जीरो फाइव डिपार्टमेंट आई डी डी जीरो जीरो फाइव अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉ किस डिपार्टमेंट में काम करता है यू लाइक टू नो द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड टू नो द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट यू टेक दिस वैल्यू डी जीरो जीरो फाइव एंड देन यू कंसर्ट द डिपार्टमेंट टेबल टू लोकेट रिकॉर्ड विद द की डी जीरो क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो रेफरेंस आपने दिया वो तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इस चीज को रोकने का या चेक करने का प्रॉपर टाइम क्या है प्रॉपर टाइम वो ही है कि वेन यू आर एंटरिंग द डाटा एट दैट टाइम सम वन शुड मेक इट श्योर कि वट एवर वैल्यू यू आर एंटरिंग इन द फॉरन की इट रिप्रजेंट ए वैलिड रेफरेंस क्योंकि आप वहां पर उसको जब आपने डिक्लेयर कर दिया फॉरन की वट इज द पर्पज वट इज ऑब्जेक्टिव बेसिकली टू लिंक द एम्प्लॉय टेबल एंड द डिपार्टमेंट टेबल अब आपको एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक वैल्यू जो है ऐसे रिकॉर्ड से लिंक कर रही है ज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल तो क्या कर रही है यानी इसकी अगर आप इंप्लीकेशन एक और एंगल से देखें फ्रॉम ए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या आप कहते हैं कि एक एम्प्लॉय का आपने डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया कि एक डिपार्टमेंट काम करता है जबकि वो डिपार्टमेंट तो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फॉरन की के जरिए फॉरन की कंस्टेंट के जरिए रादर हमें कहना चाहिए रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्टेंट के जरिए DBMS बी एम एस देखें कंस्टेंट जो होते हैं जो चेक्स होते हैं उनकी बहुत सी टाइप्स होती हैं ये हम आगे भी अभी देखेंगे थोड़ी देर में तो एज ए डिजाइनर एज ए डिवेलपर दिस इज योर जॉब टू मेक इट श्योर दैट ऑल कंस्टेंट आर प्रॉपरली प्लेस्ड देयर दिस इज योर जॉब बेसिकली यू हैव टू मेक इट श्योर अब अगर आप कुछ कंस्टेंट्स अप्लाई करते हैं That you do generally through some codes. code, a program, will write a program, But the application of a particular constraint becomes very definite. It becomes very sure if you implement it through DBMS. That yani is, when you make a constraint a part of the schema rather than the application program. वो फिर ऑटोमेटिकली इट बिकम द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डी बी एम एस टू मेक दैट थिंग श्योर यानी अगर फर्ज करें आप आ, आप फॉरन की डिक्लेयर नहीं करते एट्रीब्यूट को आप उसके बगैर भी इस चीज को मेक श्योर sure कर सकते हैं कि फॉरन की में जो भी वैल्यू हो वो मैच करे प्राइमरी की के साथ कैसे वो आपको खुद से उसमें प्रोग्राम ऐड करना पड़ेगा कोड ऐड करना पड़ेगा जो कि उस वक्त एक्टिवेट होगा जब आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं और वो मैचिंग करेगा लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि यू सिंपली डिक्लेयर दिस इज द फॉरन की एंड दिस इज द रेफरेंस टेबल द होम टेबल ऑफ दिस फॉरन की और वो उसकी प्राइमरी की है जब ये लिंक कर दिया नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एवरी टाइम वेन यू टच दैट फॉरन की जब उसमें आप चेंज करते हैं रिमूव करते हैं या एड करते हैं डी बी एम एस फिल्म मेक इट श्योर कि वो प्रॉपर रेफरेंस स्टोर हो इससे आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हो गई है बहुत बड़ी सहूलत मिल गई है आप श्योर हो गया आपको कि भाई अब जो रेफरेंस आएगा इसके अंदर जो हमारे एग्जाम्पल केस में जो एम्प्लॉय में जो डिपार्टमेंट आएगा वो हमेशा एक वैलिड डिपार्टमेंट होगा इसका मतलब ये कि फर्ज करें जब आपने इस, इस कॉलम के अंदर वैल्यूज एंटर करनी है तो उससे पहले कुछ ना कुछ आपको रिकॉर्ड लाजमी तौर पर डालने चाहिए डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ना ये पॉसिबिलिटी है कि अगर फर्ज करें डिपार्टमेंट टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो यू कैन लीव योर की नल नो no प्रॉब्लम नल छोड़ सकते हैं उसको आप एक दो तीन चार तमाम रिकॉर्ड्स को लटे दस हजार आप किसी भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट डिक्लेयर ना करें अभी फर्ज करें अभी आपने डिपार्टमेंट में डाटा एंटर नहीं किया हुआ नो no प्रॉब्लम लेकिन अगर आप डाटा डालेंगे तो फिर यह पक्की बात है कि आप वही डाटा डालेंगे जो मैच करता होगा डियर स्टूडेंट्स दिस फॉरन की कंस्टेंट या दिस रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्टेंट दिस इज सो फ्रीकुंट दिस इज सो कॉमन दिस इज सो इंपॉर्टेंट इन सो मैनी सिचुएशन इन ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम इनमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन के दिस हैज बिन डिक्लेयर्ड एज ए पार्ट ऑफ द डाटा मॉडल एंड वेन यू हैव डिक्लेर्यर अ पार्ट ऑफ द डाटा मॉडल ये पक्की बात है कि तमाम जो रिलेशनल डी बी एम एस होंगे वो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे आई होप आपको इंटेग्रिटी uh, कंस्टेंट और ख़ास तौर पे जो रेफरेंशियल इंटाग्रेटी कंस्टेंट है उसकी लॉजिक उसकी रीजन और उसकी जो एप्लीकेशन है वो समझ आ गई होगी आइए आगे चलते हैं वही बात जो हम अभी कर चुके हैं कि दे हेल्प टू मेंटेन द वैलिडिटी और इंटाग्रिटी ऑफ द डेटाबेस अभी हमने सिर्फ पढ़ा है रेफरेंशियल इंटैग्रटी कंस्टेंट के बारे में कॉन्स्टेंट्स की बहुत सी एग्जांपल्स हैं जैसे आपके सामने है नल कॉन्स्टेंट है डिफॉल्ट वैल्यू है डोमेन कॉन्स्टेंट है ये तमाम जो हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टेंट्स तो ये भी मतलब आपको जो डी बी एम ऐसा यहाँ मैंशन किए हुए हैं ये डी बी एम सिंह को सपोर्ट करता है मिसाल के तौर पर इफ यू से समथिंग इज़ नॉट नल तो नॉट नल का मतलब ये है कि आप उस एट्रीब्यूट के अंदर नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते चाहे वो प्राइमरी की है या नहीं है प्राइमरी की को छोड़ दें क्योंकि वो तो अपनी डेफिनेशन के लिहाज से उसमें नल नहीं आ सकता अगर कोई नॉन की भी है उसको अपने डिक्लेयर कर दिया एज नॉट नल तो उसमें नल नहीं डाल सकते डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब यही यह है कि अगर आपने उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वैल्यू आ जाएगी और डोमेन कंस्टेंट भी एक तरह का कॉन्स्टेंट है कि आप आप ये फिक्स करते हैं कि ये एट्रीब्यूट जो है वो ये ये वैल्यू ले सकता है पहले बात कर चुके हैं कि तीन कंपोनेंट्स हैं आर के उनमें से हम दो अभी तक पढ़ चुके हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर ओनली सिंगल वन द रिलेशन और इंटेग्रेटी कंस्टेंट एंटिटी इंटेग्रेटी कंस्टेंट और रेफरेंशियल इंटाग्रेटी कंस्टेंट अब जो इसका तीसरा पार्ट है यानी जो मेनिपुलेशन लैंग्वेज है उसको हम कुछ लेक्चर्स के बाद स्टार्ट करेंगे अभी हम किसी और चीज को टच करते हैं आइए देखिए वो क्या है डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो रिलेशन डाटा मॉडल के बारे में पढ़ा है वो हमने क्यों पढ़ा है क्योंकि हमने उसको यानी रिलेशन डाटा मॉडल को इस्तेमाल करना है एज ए टूल फॉर आवर लॉजिकल बेस डिजाइन ओके लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन इज ऑपटेड फ्रॉम कंसेपचुअल डाटाबेस डिजाइन नाउ यू सी द डिफरेंस यानी जो आपका कंसेपचुअल डिजाइन था वो कैसे बनाया था आपने वो आपने ऐसे बनाया था कि यू स्टडीड योर एनवायॉयरमेंट यू स्टडीड योर सिस्टम यू सॉ पीपल यू इंटरव्यूड दैम यू सर्कुलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन मैनी अदर मीन्स एंड फ्रॉम देयर यू गॉट ए क्लियर पिक्चर ऑफ द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम देन यू कलेक्टेड देयर रिक्वायरमेंट्स वर्ट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिस्टम एंड देन From the understanding of the existing uh, working of the system and by analyzing the requirements of the user, you came up with a design. And we seen that step by step, entry types, attributes, relationships, and So it's a process when you define, when you establish, when you create something from the understanding of the existing system. But when you come to the logical database design, योर कंसेपचुअल डाटा बेस डिजाइन द डिजाइन इन द ई आर डाटा मॉडल दैट विल प्रोवाइड यू अ बेस टू गेट योर लॉजिकल डाटा बेस डिजाइन सो इट्स अ मैटर ऑफ सिंपली ट्रांसफॉर्मिंग मैपिंग ट्रांसलेटिंग योर ई आर डाटा बेस डिजाइन इन टू द रिलेशनल डाटा बेस डिज़ाइन और माइंड इट डोंट गेट कन्फ्यूज हियर कि हम क्यों नहीं ऐसे हमने जब ट्रांसफॉर्म ही सो करना है जब ट्रांसफॉर्म ही करना है तो वाई डोंट यू गेट The relational database design, yeah, our logical data database design straight away. No, because our conceptual database design is our first design. At that time, at that moment, we need something semantically rich that gives us more expressive power, that makes it easier to understand our design, to discuss our design. तो इसलिए हमने वहाँ पे वो ग्राफिकल सिंबल्स को और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल किया था ताकि हमारा कंप्रीहेंसिव ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन बन जाए नो वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट डिज़ाइन इसकी इंप्लीमेंटेशन चूँकि हमारे पास जो डी बी एम एस है वो रिलेशनल इस्तेमाल करना है दैट इज वाई वी आर एस्टेब्लिशिंग आवर लॉजिकल डाटा प्लेस डिज़ाइन इन द रिलेशनल डाटा मॉडल एक छोटी सी चीज़ है वो अपने जहन में रख लीजिए आई uh, होप कि आपको कंफ्यूज ना करे लेकिन कि अगर आप ऐसा एक आप डाटा मॉडल चाहते हैं कि जिसके अंदर आप कंसेपचुअल डाटा बेस डिज़ाइन बना लें और उसी में इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक ऐसा डाटा मॉडल है कि जो कि एक सीमेंटिक डाटा मॉडल भी है और उसमें आपके पास प्रैक्टिकली डी भी हैं तो अगर फ़र्ज़ करें इफ़ यू वॉन्ट टू चूज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डी बी एम एस एज योर टूल तो उस केस में आपका जो कंसेप्चुअल डाटा पे डिजाइन होगा और जो लॉजिकल डाटा पे डिजाइन होगा वो अलग अलग नहीं होंगे आपको जो पहला डिजाइन होगा जो कि अगर आप बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल के अंदर तो वही से यू कैन स्टेट वे गो टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट डिजाइन वेयर एज इन दिस केस फर्स्ट यूफ डिजाइन योर डाटा पेज डिजाइन इन दर डाटा मॉडल अब आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे मैप करेंगे कन्वर्ट करेंगे इन टू द रिलेशनल डाटा मॉडल और वहां से अपने लॉजिकल डाटा डिजाइन को जो तो कि आपका रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर है उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग अ टूल दैट वुड बी ए रिलेशनल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम जनरल इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग ई आर डाटा मॉडल टू द रिलेशनल मॉडल देखें डोंट फिक्स योर माइंड कि हमेशा यही होता है असल मैं जिस चीज पे आपको बार बार एफिस कर रहा हूँ कि आप उसकी लॉजिक देखें लॉजिक क्या उसकी ये अलग बात है कि मोस्ट ऑफ टाइम आजकल ऐसा होता है कि आपके पास जो कंसेप्टअल डाटा पे डिजाइन है वो ई ER आर में होता है और आप उसको लॉजिकल में कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल में बट दैट इज नॉट फिक्सड इट कैन वेरी यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट सो फॉर वी हैव स्टडीड बोथ द डेटा मॉडल्स द दर डेटा मॉडल एंड द रिलेशनल डेटा मॉडल अब हमने ये पढ़ना है कि हमारे जो वो एक्सट्रीम है डेटाबेस बेस्ड प्रोसेस की जिसमें से अब अब हम उस स्टेज पे हैं कि जब हमने कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन से लेना है अपना लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन तो ये हम जो एक फेज है ये स्विच ओवर है ये कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स ये जो ट्रांसफॉर्मिंग है या मैपिंग है ये कन्वर्शन है इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस देर आर सर्टन रूल्स डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड आपके पास यानी जब आप लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन की स्टेज पे पहुंचे हैं ये पक्की बात है कि आपके पास आपका जो डेटाबेस डिजाइन है वो मौजूद है आपने सिंपल रूल अप्लाई करने हैं और आंखें बंद करके स्ट्रेट वे बड़े आराम से आपने ट्रांसफॉर्म कर देना है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में पर जो आंखें बंद करके मैंने कहा वो मैंने मुहावरतन कहा है आप वाकई आंखें बंद ना कर लीजिएगा आइए देखते हैं आगे क्या है ट्रांसफॉर्मिंग रूल्स वो क्या रूल्स हैं जिनके तहत हम अपने कंसेप्चुअल डाटा डिजाइन को मैप करते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू रिलेशनल यस यस यानी इसका मतलब यह कि हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं और नॉर्मली हम लोग कहते हैं केस टूल्स अवेलेबल हैं जो कि जिनको कि अगर आप ईआर ER, आर अपना डाटाबेस डिजाइन दे दें तो वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देंगे इंटू रिलेशनल डिजाइन क्यों बिकॉज दे रूल्स उनको फॉलो करते बन जाते हैं लेकिन वेल वेट द आउटपुट ऑफ द केस टूल ऐसा नहीं है कि जो उसने आपको दे दिया उसको आप स्टेट एक्सेप्ट कर लें क्योंकि तो बास जगहों पे यू हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस तो इसलिए आप देख लें कि वो यानी इसमें जो जो ऑप्शन है उसने केस टूल ने अप्लाई की हुई है आया वो प्रॉपरेट है कि नहीं है और दूसरी बात है कि सम सिचुएशन दे आर नॉट प्रॉपरली हैंडल बाय द केस टूल्स तो सिचुएशन uh, में आपकी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्वमेंट जो हो ही जाती है इसलिए uh, इस रिकमेंडेशन uh, क्या है कि इवन इफ यू आर यूजिंग सम केस टूल अवेल्युएट दैट ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने मैपिंग की है ट्रांसफॉर्मेशन की है उसको खुद भी एनालाइज करें वो ठीक है कि नहीं एंड यू मे नीड टू मेक सम चेंजेस इन दैट आउटपुट सो नाउ वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप के जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं हम आपके एक ई आर डाइटाबेस डिजाइन के एक कंसल्टे डाइटाबेस डिजाइन के उसके तमाम कंपोनेंट्स को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें आइए देखते हैं फर्स्ट थिंग इज के ईच रेगुलर एंटिटी टाइप इज ट्रांसफॉर्म स्ट्रेट वे इन टू ए रिलेशन खत्म सिंपल रूल जितनी भी आपने एंटिटी टाइप देख ली है रेगुलर एंटिटी टाइप उनको चुप करके आप ट्रांसफॉर्म कर दे टेबल्स के अंदर आसान रूल है सिंपल है इसको कि फर्ज उसमें पांच छह सात आठ उसमें एंटिटी टाइप्स अगर हैं एक आपकी ई ER डिजाइन में डेटाबेस डिजाइन में तो उसको स्ट्रेट अवे उतनी ही टेबल्स में या रिलेशन में कन्वर्ट कर दें एंड जनरली जहां तक नेम की बात आती है कि आप रिलेशन का या टेबल का नाम क्या रखेंगे तो जनरली वही नाम इस्तेमाल होता है जो कि आपने अपनी ई ER डिजाइन में नाम रखा हुआ था तो वही नाम दे दें इन टेबल्स का फिर प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी टाइप इज डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन सिंपल वही बात है कि उसकी जो प्राइमरी की थी प्राइमरी की बातें चाहे वो सिंपल थी चाहे कंपोजिट थी whatever, उसको वहां पर प्राइमरी की डिक्लेयर दें और ज़ाहिर ये यह बात कर चुके हैं कि द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इज विद ए सॉलिड फिर एक और भी कि जो उसके सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं सिंपल स्टोर्ड एटीब्यूट हैं जो उसके आपकी एंटिटी टाइप के जिसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है रिलेशन के अंदर उसके तमाम सिंपल एट्रीब्यूट्स को भी इसके साथ टेबल के साथ अटैच कर दें इस वक्त आपके सामने जो एग्जांपल है वो है कि कैसे हम रेगुलर एंटी टाइप को ट्रांसफॉर्म करते हैं टेबल के अंदर आप देखिए यहाँ पे आपको एक नज़र आ रही है एंट्री टाइप स्टूडेंट इसके साथ तीन एट्रीब्यूट हैं एक तो इसकी प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी एक है स्टूडेंट नेम और एक है डेट ऑफ बर्थ अब इसी को आपने स्ट्रेट वे आप देखें इसके अगेंस्ट जो आपने टेबल बनाया है वो क्या है इसके अंदर आपने इसका नाम कर दिया स्टूडेंट जो कि वही एंट्री टाइप का नाम था इसकी वो प्राइमरी की आपने डिक्लेयर कर दी एज प्राइमरी की उसको अंडरलाइन कर दिया और जो बाकी सिंपल एट्रीब्यूट थे स्टूडेंट नेम स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ उनको आपने रिप्रेजेंट कर दिया एज द एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल सो दिस इज सिंपल आपने एक रेगुलर एंट्री टाइप को ट्रांसफॉर्म कर दिया इंटू ए रिलेशन आइए आगे चलते हैं पहली बात तो आपको पता है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट होता क्या है जाहिर है एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि बाकी एट्रीब्यूट से मिलके बनता है जैसे आपका एड्रेस हो गया इसके हमने बार बार एग्जांपल दी है इसमें बार दफा नेम को भी इवन आप एक कंपोजिट एट्रीब्यूट कह सकते हैं जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया ऐसे और भी कंट्रीब्यूट हो सकते हैं तो आपको याद होगा कि जो टेबल की बेसिक प्रॉपर्टीज थी उसमें यह है कि जो टेबल है वो उसका एक सेल एक अटोमिक वैल्यू सिंगल वैल्यू ही कंटेन कर सकता है सो इफ यू आर प्लानिंग इफ यू हैव डिक्लेय ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इन एंट्री टाइप टू माइंड इट इट कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ योर टेबल एज यू हैव मेड द सिंपल एटीट्यूट पार्ट ऑफ योर टेबल नो इसके लिए आपको फिर ट्रीटमेंट डिफरेंट करना पड़ेगा वो क्या है कि इससे पहले बात है क्वालिटी यानी हम कहते हैं कि जो आपका रिलेशनल मॉडल है उसकी जो सिंप्लिसिटी है वो उसकी एक स्ट्रेंथ है कैसे कि उससे उसको समझने में आसानी है लेकिन जहां पर आप नोट करेंगे कि यहां पर वो उसकी लिमिटेशन बन गई है कि अब वो जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उनको आप सिंपली उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या नहीं करते जैसे कि आप कर सकते हैं सिंपल एट्रीब्यूट को जबकि वहां पर अगर आप देखें आपका जो ई आर डाटा मॉडल था उसमें पास कम क्या थी प्रोविजन थी कि यू कैन रिप्रेजेंट सिंपल एट्रीब्यूट एज वेल एज कंपोजिट एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या है यहाँ पर सिम्पल एट्रीब्यूट देर दे आर फिटिंग जस्ट फाइन लेकिन फॉर द कंपोजिट एट्रीब्यूट देर इज नो रेगुलर प्रोविजन उसको आप फिर किसी और तरीके से हैंडल करते हैं कैसे इसमें देखिए कि यहाँ हमारे पास वही स्टूडेंट की एंट्री टाइप है उसमें वही जो तीन इसके बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं सिंपल एट्रीब्यूट्स थे स्टूडेंट आईडी, नेम और उसका डेट ऑफ बर्थ वो तीनों नज़र आ रहे हैं आपको साथ ही वहाँ पे अब एक कंपोजिट एट्रीब्यूट भी आ गया है जो है address. Address क्या है उसका एड्रेस अब एड्रेस को हमने स्टोर किया हुआ एज ए कम्पोजिट एट्रीब्यूट जिसमें कि क्या है उसका हाउस नंबर उसका स्ट्रीट नंबर उसका सिटी उसका उसका सिटी कोड हो गया एरिया कोड हो गया और कंट्री अब ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है so you represented that composite attribute as a composite attribute in your ER design but no provision for a composite attribute as such in the relational data model अब वो क्या करना पड़ेगा you will have to create a separate table and other table उसमें ये होगा कि जो आपकी primary key है उस table की जिसको आपने अगेन student create किया था या view कर लें कि जो student की primary key है वही प्राइमरी की इस्तेमाल होगी आपकी इस दूसरे टेबल में तो अगर आपने एक टेबल एक आपने टेबल बनाया फॉर द स्टूडेंट एड्री टाइप जिसका नाम होगा लेट्स से स्टूडेंट एक और टेबल आप बनाएंगे जिसका नाम होगा लेट्स से एड्रेस या स्टूडेंट एड्रेस और इसके अंदर आप ये जो तमाम इसके कंपोनेंट्स हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट के जो कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स हैं उन तमाम को स्टोर करेंगे और लॉजिकली आप ये सोचेंगे कि तमाम एट्रीब्यूट मिलके ये एक एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट बन रहे हैं और रेफरेंस के लिए यू आर यूजिंग द प्राइमरी की और दूसरी टेबल की जो प्राइमरी की है वही इसकी भी वो वो वही प्राइमरी की होगी जो कि मेन टेबल की है यानी स्टूडेंट टेबल की अब होगा क्या अब फर्ज करें यू आर एक्सेसिंग द डेटा ऑफ स्टूडेंट वेन यू यू नीड ऑल दोज एट्रीब्यूट यानी उसका नाम उसका आई नाम डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस तो होगा ये कि आप आएंगे स्टूडेंट टेबल के ऊपर वहां से आप लेंगे उसका नाम उसकी आईडी डी वहां से मिल गई जाहिर है इसके अलावा वहां से उसकी डेट ऑफ बर्थ ये आपने वहां से ले लिए वेन यू वॉन्ट टू एक्सेस द एड्रेस यू विल कम टू द सेकेंड टेबल जिसको हमने कहा स्टूडेंट एड्रेस से प्राइमरी की वही लेंगे जो कि आपने जिसके अगेंस्ट के आपने उसका नाम उठाया था और एड्रेस डेट ऑफ बर्थ उठाई थी वही प्राइमरी की लेके जब आप यहां से एट्रीब्यूट एक्सेस करेंगे यू विल बी एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट जो कि आपने डिजाइन करते हुए यू रिप्रेजेंटेड दैट एज ए कंपोजिटिट्रीब्यूट लेकिन जब आप उसको आगे लॉजिकल एट्रीब्यूस डिजाइन में दर इज नो प्रोविजन फॉर द कम्पोजिट एट्रीब्यूट यू हैड टू क्रिएट ए न्यू टेबल आई होप आपको समझ आ गया होगा और एन द ऐसी हर सिचुएशन में जी विल क्रिएट ए सेपरेट टेबल आइए आगे चलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ये आपको याद होगा ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं और इसमें हमारे पास जो ई आर डाटा डाटा मॉडल था उसमें हमारे पास एक इसके अंदर के लिए थे डबल लाइंड एलिप्स थी फॉर एक्ज़ाम्पल जैसे हॉबी हो गई क्वालिफिकेशन हो गई प्रीवियस जॉब्स हो गई ये तमाम ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है क्योंकि इसमें एक एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं हॉबीज़ में रीडिंग है स्कीइंग है और स्टोकर है क्रिकेट है ये दीधर जो हॉबीज़ अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं फाइन राइट फ्रॉम द मैट्रिकन एफ एस सी दैन बी एस सी दैन एम एस सी एंड फर्दर एड ये तमाम क्वालिफिकेशन की मल्टीपल वैल्यूज हैं तो एन एंट्री टाइप विद ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज ट्रांसफॉर्म इन टू टू रिलेशन वन कंटेन्स दी टाइप एंड सेकेंड द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जी इसमें यह है कि ये आपने जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज में शुरू में ही पढ़ लिया था कि द एट्रीब्यूट कैन एट्रीब्यूट कैन हैव ओनली द सिंगल ऑटामिक वैल्यूज तो ये बात तो पक्की हो गई के योर एट्रीब्यूट कैन नॉट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज माइंड एट इट और फिर कहूंगा कि आप उन चीजों को जिनको कि आप मल्टीपल वैल्यूज कहते हैं अगर एक स्ट्रिंग की शक्ल में एंटर कर भी दें डीबीएमएस इज नॉट कंसीडरिंग इट एज मल्टीपल वैल्यूज डीबीएमएस बी एम इज कंसिडरिंग इट एज ए सिंगल वैल्यू दैट कंट्रेस हम टेक्स्ट अगर आपने यही स्नूकर स्कीइंग रीडिंग और ये आपने डाल दी एज ए स्ट्रिंग दे आर मल्टीपल वैल्यूज टू यू वैन यू सी वैन यू सी दैम बट एज फर एज द डीबी बस इज कंसर्न इट इज कंसिडर्ड एज एगल वैल्यू और जब ऑपरेशन करते हैं इस पर वही करेगा जो किसी भी सिंगल वैल्यू के ऊपर करता है तो अब फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को क्या ट्रीटमेंट आप देंगे तो जैसे यहां लिखा हुआ है कि यू वेसिकली क्रिएट ए सेपरेट रिलेशन फॉर दिस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो क्या होगा वो एंट्री टाइप जिसमें कि एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसमें क्या करेंगे आप उसमें एक आप रिलेशन क्रिएट करेंगे फॉर द एंटिटी टाइप इट सेल्फ वन सेकेंड ये जो आपका एट्रीब्यूट है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इसके लिए आप एक अलग से टेबल बनाएंगे अब देखें आपने कंपोजिट जो एट्रीब्यूट था उसके लिए भी अलग एक टेबल बनाया था और इसके लिए भी उनमें क्या फर्क है तो कंपोजिट एट्रीब्यूट था उसका ये था कि उसमें हर इंस्टेंस का के अगेंस्ट जो आपके एक रिकॉर्ड है आपके मेन टेबल में उसके अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड आ रहा है आपके पास उस टेबल में भी कि जिसमें आप कंपोजिट एट्रीब्यूट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन तो यहां प्रॉब्लम यह है कि यहां पे एक के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज आनी है तो यहां से आप एक चीज फॉरन गैस करें कि दर अ प्रॉब्लम ऑफ द प्राइमरी की वहां पे आपके जो मेन जो ओरिजिनल टेबल था जो कि क्रिएट हो रहा था एंट्री टाइप के अगेंस्ट उसी की प्राइमरी की आप इस्तेमाल कर रहे थे एज द प्राइमरी की ऑफ द सेकेंड टेबल लेकिन यहां पर वो एज अ सेकेंड प्राइमरी की इस्तेमाल नहीं हो सकती सेकेंड टेबल में क्यों बिकॉज यूर हैविंग ए मल्टीपल रिकॉर्ड मल्टीपल इंस्टेंसिस और प्राइमरी की वैल्यू डुप्लीकेट तो हो नहीं सकती तो फिर ऐसा होगा कि जो दूसरा टेबल बनेगा इसकी प्राइमरी की जो है वो आपके पहले टेबल की प्राइमरी की और जो इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो दोनों मिल के उसकी प्राइमरी की बनेगी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास स्टूडेंट है और हॉबी उसका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो हम ये करेंगे कि जो दूसरा टेबल बनेगा जिसमें कहेंगे एस टी हॉबी या स्टूडेंट हॉबी उसमें क्या होगा कि दो ही एट्रीब्यूट होंगे स्टूडेंट आई और हॉबी नेम या हॉबी आईडी तो क्या होगा कि ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनेंगे इस ने टेबल की इस नेट रिलेशन की तो जब आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेस करना होगा तो जो इसके बाकी एट्रीब्यूट्स हैं वो तो आप लेंगे स्टूडेंट टेबल से बट एज फार एज द मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द हॉबीज आर कंसर्न उसके लिए यू विल हैव टू रेफर द सेकेंड टेबल वहां पर आपको इस प्राइमरी की जो स्टूडेंट आई था इसके साथ दो तीन चार पांच रिकॉर्ड मिल सकते हैं पर वहां पे प्राइमरी की डुप्लीकेट हो सकती है क्यों बिकॉज दिस इज नॉट एंटायरली द प्राइमरी की दिस इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी की और स्टूडेंट आईडी और हॉबी आई डी हॉबी नेम मिलके जो है वो बन रहे हैं प्राइमरी की तो जिसके बेस पे ये वहां पे मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट कर सकता है और यू आप एक स्टूडेंट के अगेंस्ट यू कैन स्टोर द मल्टीपल हॉबीज तो दिस इज द ट्रीटमेंट दैट वी गिव टू द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में भी वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन अबाउट द रिलेशनल डाटा मॉडल आज की डिस्कशन uh, में वी वी फिनिश द स्टडी ऑफ द डाटा मॉडल एज सच एंड देन वी स्टार्टेड द डिवेलपमेंट ऑफ योर लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन और उसके बारे में हमने ये पढ़ा कि बेसिकली उसमें होना करना ये पड़ता है कि आपका जो कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन पर और लास्ट पे अपने इस लेक्चर के एंड पे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या रूल्स हैं कि जिनको फॉलो करते हुए आप स्ट्रेट वे अपने कंसेपचुअल एडर्वेस डिज़ाइन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं लॉजिकल एडर्वेस डिज़ाइन में उसके आप में अभी कुछ रूल पढ़े हैं और कुछ उसके रूल बाकी रहते हैं जो कि हम अपने आइंदा के लेक्चर्स में कवर करेंगे अब आपसे ज्यादा चाहूँगा अल्लाह हाफिज़